गांव के विकास को चुनावी मैदान में उतरी 81 साल की रानी। नेताओं ने किया निराश तो रानी ने ठाना करेंगे गांव का विकास। हौसले की आजमाइश। उम्र 81 साल, डगमगाते कदम, लाठी का सहारा लेकर सफर तय करते कदम। आराम करने की है उम्र लेकिन छेड़ दी है जंग, क्योंकि ढलती उम्र हौसलों को कमजोर नहीं कर पाई और जुनून ऐसा है कि हर मंजिल छोटी नजर आए। जी हाँ, बुलंद हौसले की एक ऐसी ही उड़ान के साथ कानपुर के चौबेपुर की रहने वाली 81 साल की दादी ने चुनावी जंग में ताल ठोक दी है और बड़े बड़े सुरमाओं को खुली चुनौती देकर बता दिया है कि अब गांव के विकास की गंगा बहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि विकास के नाम पर किए जा रहे धोखे को अब ये पथरा चुकी आंखें और नहीं देख सकती। इसलिए दादी ने विकास की डोर खुद अपने हाथों में लेने की ठान ली है। चुनाव तो बहुत होते हैं, चुनावी दावेदार भी बहुत होते हैं, लेकिन हर चुनावी दावेदारों से जो जनता की उम्मीद होती है वो है विकास। लेकिन इन उम्मीदों के आगे नाउम्मीदी नजर आने लगती है, तब जनता खुद ही बागडोर संभालने को मजबूर हो जाती है। कुछ ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला है यूपी के पंचायत चुनाव में, जहां कानपुर की एक वृद्ध महिला ने चुनावी पद की दावेदारी के लिए अपना नाम दर्ज कराया और गांव के विकास की बागडोर की कमान अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया, जो कि अपने आप में एक कुछ कर गुजरने की मिसाल है। जिनके हौसले को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि अगर एक इंसान कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। कौन से गांव से हो दादी? वाले काहे के लिए चुनाव लड़ रहे? बीटी से खरंजा नहीं है। बीडीसी आप क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, क्यों बनना चाहते हैं आप बीडीसी? अरे हमारे गांव खरंजा नहीं, नाली नहीं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र लड़की नाती जान। आपकी उम्र कितनी है? 81 वर्ष। हाँ बताओ, लाला बता रहे। इस उम्र में आप बीडीसी क्यों लड़ना चाहती है? ठाड़ी के हमको खरंजा क्यों नहीं बन पाया? खरंजा नहीं बनो। अच्छा, नाली बनी। अच्छा, बड़ी परेशानी है। तो आपने ठान लिया कि हमें चुनाव लड़ना है? हाँ, हमको लड़िए, हमारे गुरु से बीमारी फैल रही है। दरअसल इन 81 साल की रानी नामक वृद्ध महिला का कहना है कि अभी तक इनके गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया और बीडीसी पद के लिए अपना नामांकन दर्ज कराया। लेकिन इस महिला की ये पहल जितने काबिले तारीफ है, उतना ही बड़ा तमाचा है उन राजनीतिक गलियारों के दावेदारों पर, जो चुनाव के दौरान तमाम तरह के दावे और वादे करते हैं लेकिन सत्ता का स्वाद चखने के बाद उन तमाम वादों को भूल जाते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद क्या करोगे? नाली बनना है, खरंजा बनना है। हाँ। किसी के कहने पे आप चुनाव लड़े हैं कि आप ना अपने मन से गाड़ी को उठा रही हुई? कब से सोच रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, नाती का नाटन उठा रही, उनको नहीं उठा रही हुई। मतलब चुनाव जीतने के बाद विकास करेंगे गांव का? हाँ, विकास गांव कराएंगे। और क्या बीमारी क्या बता रही हैं? बीमारी हुई है, पानी भरो, बीमारी कीड़ा काटे तो बीमारी भैंसी गोर उनके मनाई के बीमारी फैल रही। 81 साल की दादी का कहना है कि आज तक इनके गांव में नाली नहीं बनी, खड़ंजा नहीं बना, तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं और पानी की भी असुविधा है, जिसके चलते उन्हें लगा कि अब उन्हें खुद ही चुनावी मैदान में उतरना होगा और गांव के रुके विकास कार्य को पूरा करना होगा। और दादी कहती हैं कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो गाँव के रुके विकास कार्य को पूरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़।